समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए तो शीशा तलाश कर। मियां मोहम्मद सिखाए, मियां मोहम्मद सिखाए, मियां मोहम्मद सिखाए। بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين قابل صادق احترام پیر سید الحسن شاہ صاحب میرے عزیز چوہری اکبر صاحب اسٹیج پہ بیٹھے معززین قابل احترام چیئرمین صاحبان نہایت ہی قابل احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں نوجوانوں السلام علیکم میں سب سے پہلے چوہری فیض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کی محفل کا جو حسن جو رونق آج دیکھن چاہیے چوہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہمان نوازی الحمدللہ قابل گیت سی میں انہوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں میں یہ نال ہی چوہری اشتیاق صاحب اور انہوں نے ساتھیوں کا چوہری عارف صاحب جڑے میرے چھوٹے بھائی بھی نے پترا جی بھی نے انہوں کا اور انہوں کے ساتھیوں کا چوہری بوٹا صاحب اور انہوں کے ساتھیوں کا چوہری ریاض صاحب اور انہوں کے ساتھیوں کا تہ دل کا شکر گزار ہوں کہ اج کا اے حسین کٹ اے خوبصورت کٹ با عزت لوکاں دا کٹ جڑا اج جس طرح انہاں کیتا ہے اور اپنے آن والے مہماناں دا جس طریقے نال انہاں استقبال کیتا ہے یقین کرو کہ میں 73 سال دی عمر چا 35 40 سال گزر گئے نے کہ میں سیاست کر رہا ہوں لیکن اتنا خوبصورت اتنا پیارا استقبال میں اپنی زندگی چ نہیں دیکھا۔ میاں محمد شیر، میاں محمد شیر۔ میرے دوستو بچ ایسے بے نام سپاہی بھی ہے نا جنہ انہوں نے بھی زیادہ شاید محنت کی ہوئی، میں انہوں کا بھی تہ دل شکر گزار ہوں۔ میرے دوستو جنہیں بھی جموں کشمیر کے الیکشن واسطے اج تک کٹ ہوئے ہیں، صدیق پٹنی صاحب ایک فکر بار بار بولتے ہیں، حالانکہ میں مناسب نہیں سمجھتا، میرا سٹیٹس نہیں کہ میں جموں کشمیر کے الیکشن چ صدیق پٹنی کے بندے کا جی گل کا جواب دیا۔ الحمدللہ جہاں بندہ 12 دفعہ اسمبلی کا الیکشن جیتیا ہوئے تے اس بندے دیا گلوں کا جواب دے جنہوں ایک دفعہ ایک منسٹر دے باہر گورا لا کے دے ایک الیکشن جتایا ہوئے تے جو گل کھلائے اس اسمبلی جا کے اس بندے نے
जो इज्जत बनाई साडे जिले की उस बंदे ने जिस तरह पहले इतने दोस्तों दसिया कि चार दफा उठे वजीर आजम अदमी दमाद करान च चार दफा उस बंदे ने पैसे और मदीने शरीफ उठे जाके भी झूठे हलफ देते उस बंदे ने तौबा ही याद मौत का भी खौफ नहीं सही है। वो बार बार ये गल कहता कि मियां रशीद ने तीन दफा ये आजाद कश्मीर असेंबली का मैंबर बनिया तो डिवेलपमेंट कोई नहीं कराई। दोस्तों मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये गल जी करता है जवाब दिता जाए लेकिन वो बार बार कर रहा कि इस वास्ते मुझे भी जवाब देना पै रहा। दोस्तों सिर्फ तीन ट्रियोर ऐसे गुजरे ने जिद चौरी मोहम्मद साहब और सदीक साहब और यासर साहब तीन ऐसे ट्रियोर गुजरे ने जिद जम्मू कश्मीर के महाजरीन के मैंबरों को डिवेलपमेंट मिली है। इस तू पहले जदों की आजाद कश्मीर असेंबली बनी है अज तक जेडे तीन ट्रियोर तो अलावा किसी मजबूत साहब भी बैठे होते हैं ये गल सुन रहे होंगे ना तो थले थले दौड़ करते कि हम थले तो क्यों करना है दोस्ता कि जो पूरे 12 सीटा किसी असेंबली के मैंबर को पाकिस्तान वास्ते उन्हें पैसा नहीं दिता क्योंकि पाकिस्तान भी पैसा जाता है तो उसे डिवेलपमेंट होती है जो पाकिस्तान थोड़े जो रोकता तो तनखावा भी नहीं दे सकता तुम्हें पता इस गल तीन ट्रियोर ऐसे गुजरे ने जिद डिवेलपमेंट मिली है। इस तू पहले डिवेलपमेंट एक दुआनी भी नहीं सी मिलती तो डिवेलपमेंट कितनी मिलती है पूरे जिले वास्ते 50 लाख रुपया जेड़ा एक यूनिट उस चेयरमैन भी देखिए तो कुछ नहीं होता 50 लाख रुपया तो मेरे वास बंदे तो यार सगा मिलवा कि मियां रशीद ने डिवेलपमेंट नहीं कराई। दोस्तों ये तीन ट्रियोर सिर्फ डिवेलपमेंट मिली है वह भी 50-50 लाख रुपया साल का और एर भी तुम गल दसी ए हर मैंबर पेंशन भी मिली है। मैं तीन बारी मैंबर रह चुके मैं पेंशन नहीं मिली जो सरगाला साहब पेंशन 85,000 रुपया सदीक भटली भी 85,000 रुपया मंथली इनकम मिली है तनखा पेंशन और यासर भी उन्नी मिली है इलेक्शन छोड़िया उन्होंने भी ओनी मिलनी है तो मैं तीन बारी रहा मैं बेचारे को 1 रुपया नहीं मिले जो कोई असेंबली पास करती है कोई गल तो वह तो उन्होंने मिल गई जो तो पहले किसी न एक मैंबर डिवेलपमेंट नहीं सी मिलती तो वह मैं कदम क्यों मिलनी थी भाई लेकिन मेरे दोस्तों मैंने दसो ये 50 लाख रुपया वो वास्ते तो बड़ा टीडी वास्ते ठूठा भी दरिया होंगे और मैं तो वह बंदा जिस बंद ने इस इलाके जिस तरह हाजी साहब साहब साफर साहब ने दसा चेयरमैन साहब ने जे जम्मू कश्मीर के महाजन है वो ये ना बंदा सर जिस वह लोकल चेयरमैन चुक के लिया कर तकरीर करते हैं और जम्मू कश्मीर के महाजन है उन्होंने तुम दसिया कि दोस्तों बच्चों को नहीं पता ए बुजुर्गों को पूछो कि जब मैं 85 चैंपियन बनिया कोई एक सड़क थोड़े हल्के च ऐसी कोई एक स्कूल थोड़े हल्के च ऐसी कोई एक मिसाली पेड़ थोड़े हल्के है सी अल्लाह की मेहरबानी मैं ये गीत पाई है मैं ये आवाज पाया कि किस तरह सड़क बनाई जाए किस तरह मिसाली पिंड बनाए जाते हैं किस तरह स्कूल बनाए जाते हैं ये मैं एक मिसाल अल्लाह की मेहरबानी कि जिन्हें ये रवाज पाया कि पिंड पिंड मिसाली बनाए जाए और अब जड़क भी दोबारा बन रही हैं जिन्या सड़क बनाई गई अल्लाह की मेहरबानी नौकर अजर बनाई हैं जिन्हें सिरे जिन्हें सिरे मेरे बुजुर्ग मेरे साथी मैं बार बार असैम्बली भेज दे मेरे च केड़ी एडी तो वड्डी गल सी कि मैं बार बार असैम्बली भेज दे सिर्फ यही गल सी कि मेरी खिदमत और मेरा जो तरक्याती काम सन उन्होंने सिरे च मेरे लोग प्यार करते सन बार बार असैम्बली भेज दे जे मैं अपनी बीवी इलेक्शन लड़ाया तो वह भी तुम जिताई जे मैं अपने बेटे इलेक्शन लड़ाया उन्हें भी
ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਤੂੰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਚੱਲਣੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗਾ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗਾ ਕਮਾਦਾ ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਲੜਾਂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਅਜਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਕੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਸਿਲੇ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤ ਹੈ ਅਕਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ 10,000 ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ MP ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਲਈ ਇੱਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਉਸੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ 7 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਖਲਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਵੱਡੋ ਗਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ
نال ظفر وعدے کی دکھ رہے ہیں میں انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ نو ہر گل کر کہنا کہ میں اس ذات تے میرا اعتماد ہے اس ذات تے میرا بھروسہ ہے انوں انہاں نو صرف شیر تے بھروسہ ہے تو اس ذات تے بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی تانوں جت کے رکھاں گا चंद दिन हो इतने जलसा किया दानियाल अजीत साहब कह रहे सन के शाह साहब नूं भी फंड मिले तनु फिक्र क्यों पिया इलेक्शन से जम्मू शहर जम्मू कश्मीर का लड़ रहे हैं फिक्र तेन दो साल बाद जरा आना है उस इलेक्शन का प्या है कोई इस इलेक्शन की गल कर तनु रात नींद नहीं आती पी जे तू एडा सौखे एडा सौखा तो दिन रात दौड़िया क्यों है तनु फिक्र पी अगले इलेक्शन की इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का है गलां तू अगले इलेक्शन दिया करने तू आराम सौ इलेक्शन लड़ दो साल नींदरा तेरा तर रहा है तू तो पागल हो जाएगा दो साल ने वो तेरे नाल बी आर शी तेरे मुकाबले च लड़े तारक नीरज लड़े वो तो बहुत अगे गल है जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है लड़ तेन पता है कि बी आर शी आने इलेक्शन लड़ने जी पहली गल थी वो नहीं होनी ये पहली तो मलिक सुलेमान भी जितया एक बार जब सलाब आया चोरी मुश्ताक भी एक बार जितया यूनियन कौंसल हार गया पता ना तुम अगू मेरा कैंडीडेट चोरी रियाज जम्मू कश्मीर का महाजन से जितया ना वो जित गया ना भाई गुआ मैं कार्ड वाली गल करा वो गल नहीं कर गई कल कोई कवे झूठ बोलते हैं बुढ़े बारे बीर जी वो गल करेगा जिंदा रिकॉर्ड मौजूद है चोरी मुश्ताक साहब जो नून दस में सलाब आया ते जितया ते अगू यूनियन कौंसल हार गए छुट्टी सुलेमान साहब जीते सन जिते गए दानियाल साहब जीते रहे इंशाअल्लाह ताला वो ही अगला भी हाल होना अगले इलेक्शन अगर नहीं होना है ते उन्हें नींद आवे सोने दो साल उन्हें नहीं सोना जो अगर पैनल कह रहा है पैनल तो तेनों लगता पाया असि तेन की दस रहे दसांगे दो साल बाद अजे तो असं जम्मू कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की गल कर गल करता महंगाई की कद कोई गल करता इलेक्शन तुम दसो इलेक्शन हो रहा जम्मू कश्मीर का और लाल कश्मीर की हुकूमत ने इतों महंगाई खत्म कर दी उत्थे तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जे नून ने ही खत्म करनी है तो उत्थे तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है फिर पाकिस्तान च महंगाई खत्म कर दे कले सदीक जाके महंगाई पाकिस्तानी खत्म कर कले सदीक क्या बात है तो अक्ल की गल कर तेरे प्यो ने अमरीका पढ़ाया तेन तुम इन्नी सहन सकी जम्मू कश्मीर की जी हुकूमत है वो पाकिस्तान पैसे दे तनखा दे रहे जो थोड़ा लेट हो जाए छे छे दिन अठ अठ दिन बेचारे दफ्तर चक्कर लाते रहते रहते उन्होंने तनखा भी नहीं मिलती उन्होंने इतने आके महंगाई खत्म करनी जो महंगाई उन्हें करी है तेरी हुकूमत तेरी पार्टी की हुकूमत है तू रूह घर का तरला पा दे तू महंगाई खत्म हो जाए जब कले सदीक भेजेगा तो फिर महंगाई खत्म हो जाएगी क्या बात है क्या तालीम है तेरी गल जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की होती है तो सारी करीर वो पाकिस्तान के सियासत की होती है पाकिस्तान के इलेक्शन की होती है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੋ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ
जम्मू कश्मीर के महाजन जेड़े ने इन्हों अपने वोट की अहमियत का अल्लाह की मेहरबानी का बहुत पता है, बहुत पता है। ये भोले ने भी अड्डे भी भोले नहीं, ये तेरे जे बंदे की गल मान के बरगलाए जाने, ये अपने वोट की कदर कीमत जानते हैं। इंशाअल्लाह सानू फखर है लोगों के जेड़े उतो अपना मुल्क छड़ के आए हैं, जिन्होंने वालदान की कबर उथे ने, जिन्होंने वालदान की कबर कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर दिन है, जायदाद जम्मू कश्मीर दिन है, उन्होंने इतने हाजिर होके आके अपनी अपने वोट की अहमियत का बहुत पता है, अपनी इज्जत का बहुत पता है, अपनी पग का बहुत पता भी अभी कितने सिर रखनी है। इंशाअल्लाह सानू फखर है कि इन्होंने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद सिंह साहब के बेटे के सिर के उ पग रख देनी है। इंशाअल्लाह अजम करके बैठे ने, अजम करके बैठे ने दोस्तों, जो बार बार पीटीआई की गल करते हैं दोस्तों, दोस्तों पीटीआई का कहड़ा बंदा अजय इलेक्शन लड़ता है और लड़ रहे टिकट होल्डर ने कोई लड़ रहा, वो अजय तो आए ही नहीं, तो पीर साहब के अदालत अदालत इलेक्शन जितया पीटीआई जरा इन्हों के मुकाबले पीटीआई का टिकट होल्ड होल्ड कक्ष पीटीआई का बंदा तो अजय कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा, अजय मैं पीर साहब इलेक्शन लड़ रहा, कोई और टीम ने अजय बाहर बैठी दी है, जो वो आए ना फिर इलेक्शन से अल्लाह की मेहरबानी पूरे जिले च इस वे वोट अपना अपना जेन बना के बह गए। इंशाअल्लाह ताला असी सारे हल्के चक्कर ला रहे इस वास्ते कि मैनू अल्लाह की मेहरबानी किसी जगह जाके मैं रस्ता पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पिंड जाके मैं किसी बंद के मतलब पूछने की जरूरत नहीं, मनु हर पिंड जम्मू कश्मीर के महाजन जो जम्मू कश्मीर के अनारो रह रहे हैं, मनु हर पिंड पता है कि गली च रह रहे हैं, केड़ा केड़ा रह रहा है, केड़ी केड़ी बरादरी का रियासी बरादरी का पता है, मनु हर जगह का पता है। तो यह सजारी कट कर लगे जिन्होंने पता ही नहीं, इस वास्ते चल सकता पिछले दिन जो तकरीर की जलसे करते पैसे असं जलसे किए एडे एडे जलसे कि जलसे बात करते क्या बात है, वो यार झूठ भी तो जी यकीन करो बड़े दिल ना बोले तो बोले बिना दिल बड़ा भाई एडा एडा झूठ बोल लेते हैं, वो एडी एडी दलेरी ना झूठ बोलते हैं, शर्म ही नहीं आती कि इन्होंने लोगों को हर गल का पता है, और कई बंदे जोड़े ने उन्होंने पता भी होते फिर दाणिया साहब दिता वा दाणिया साहब दिता वा क्या बात बुजुर्गों पुछो पूछो बुजुर्गों पुछो बुजुर्गों नब्बे के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पिंडा जी खब्बे सुटे चुक ले नुसरत भट्टो साहब आईया करोड़ रुपया देनी है इन्होंने यार खंभे खरीदे पिंडा जो उठे आ गई बिजली और बिजली आई नहीं सी लोग बड़े खुश होंगे बाद जो इलेक्शन हार गए खंभे चुक गए थानू तो तजर्बा है क्या सू बड़ा पता सू बड़ा तजर्बा तजर्बा तो है ही थोड़ा है भाई तुम कंधे भी चुकी तो तुम खंभे भी चुके अगत चुके लगे हर तजर्बा तो थानू है भाई अल्लाह की मेहरबानी यकीन करो अंदर शक होना शकरगढ़ हर इलेक्शन जिन्हें इलेक्शन अज तक हुए शकरगढ़ कदम मेरे को जीते ने नारवाल का कड़ के दे लो नारवाल कदम मेरे को जीते ने मनु लगे कुछ ना कट खाते लोगों ने मनु वोट देने इंशाअल्लाह वोट देने और यकीन करो मैं ज्यादादारी ना कहना कि ऐसे ऐसे वोट जेडे सानू नहीं समझते वह भी बुलाव ला के कह देना कि असी वोट दे बड़ा वड्डा काम कीता
अमांडर की गल अपन कल मैं गया उधर अखलास भेड़ी पशु हाला लोकल सन बने रियासतियां गल जी की लोगों ने की मियां साहब ने बहुत बड़ा गर्व किया जम्मू कश्मीर के भाजपा को कटिया कर जम्मू कश्मीर के बाजरे और लोगों ने एहसास इस गल का समझ इस गल की अगर मियां शीर ने कुर्बानी दी है तो असि की करना चाहिए सारे को पता है साथियों ने मैं कहा कि मियां साहब अगर 10,000 दो लीड थोड़ी घट हुई तो अभी समझ लगे इलेक्शन दे देंगे मेहरबानी हटते हैं असि झूठ नहीं बोलते असि उस करैक्टर नहीं चले जिस करैक्टर से कोई हरफ आए पिछले एक कट के अवैध साहब ने कहता पूरे जिले लिहाजा दोस्तों इंशाल्लाह लोगों ने तुहाडे फैसले नूं बहुत इज्जत दी निगाह नाल देखिया इस इकट्ठ नूं साडे और पीर साहब और सरदार साहब दे इकट्ठ नूं बड़ी इज्जत दी निगाह नाल देखिया और इंशाल्लाह ताला रिस्पांस भी उसे तरह दे रहे रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला उसे तरह मिलेगा इंशाल्लाह ताला साडा तुहाडे नाल वादा है कि मियां शीर बन के इलेक्शन लड़ रहा है और मैं बसंत सरगाला लै बन के इलेक्शन लड़ रहा जे पुछणा ते सरगाला साहब दे बेटे जरूर और रह गया भी इंशाल्लाह मैं वादा करना तो कि मैं मियां शीर बन के भी और मनसंग सरगाला साहब बन के भी इलेक्शन लड़ूंगा और इस बच्चे कमी नहीं महसूस होगा यह मेरा वादा है।